तो दोस्तों देखा जाए तो Realme की 10 सीरीज जो है फाइनली दोस्तों लॉन्च हो चुकी है चाइना के अंदर एंड बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर आने वाली है। एंड जो इसके अंदर चिपसेट यूज किया गया है वो है यहाँ पर Dimensity का 1080 चिपसेट, जो कि आपका सेम चिपसेट जो है यहाँ पर जो है आपकी Redmi Note 12 सीरीज के अंदर भी यहाँ पर यूज किया गया है। एंड तो आज हम यहाँ पर इसी के चिपसेट के बारे में बात करने वाले हैं, Dimensity 1080 के बारे में। इसको कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पर हम जो Dimensity 920 यानी कि जो पिछला वाला जो फोन था यहाँ पर Realme का, Realme 9 Pro Plus जो था, इसके अंदर आपको Dimensity 920 देखने को मिला था क्योंकि उसी का सक्सेसर है यहाँ पर Dimensity 1080। तो आज हम इन दोनों चिपसेट को कंपेयर करने वाले हैं एंड आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों चिपसेट में से कौन से चिपसेट दोस्तों पावरफुल है एंड अगर पावरफुल है तो कितना पावरफुल है, कि हमें किस चिपसेट के साथ जाना चाहिए यहाँ पर इन दोनों जो है चिपसेट में से। तो देखते हैं, आइए वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आता है जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर Dimensity 1080 की, तो ये एक लेटेस्ट चिपसेट है, ये पहला स्मार्टफोन है Realme का जो कि यहाँ पर इसके साथ लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इंडिया के अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही Redmi की Note 12 सीरीज जैसे बताई मैंने आपको, वो भी यहाँ पर इसी चिपसेट के ऊपर होने वाली, यानी कि 1080 मतलब पूरी सीरीज नहीं, Redmi Note 12 Pro Plus वाला जो वेरिएंट रहेगा उसके अंदर आपको यही चिपसेट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए आगे भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम इसके फेब्रिकेशन प्रोसेस से यहाँ पर। तो दोनों ही चिपसेट की अगर बात कर लेते हैं, 1080 या फिर हम Dimensity 920, दोनों ही चिपसेट जो है यहाँ पर ये 6 nm फेब्रिकेशन पर यहाँ पर बेस्ड है, यानी कि 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पावरफुलेंसी है यहाँ पर दोनों के अंदर आपको सेम दिखने मिलने वाली है एंड जो भी यहाँ पर मतलब जो है बैटरी बैकअप वगैरह है वो भी आपको दोनों के अंदर यहाँ पर सेम मिलने वाला है। तो 6 nm पर है दोनों चिपसेट यहाँ पर। एंड वही अगर बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, दोस्तों आपको दोनों ही जो चिपसेट के अंदर यहाँ पर डुबल क्लस्टर आर्किटेक्चर दिखने मिल जाता है एंड जो कोर्स वगैरह यूज किए हैं तो वो भी यहां पर दोनों के अंदर यहां पर सेम कोर्स का यूज किया गया है, बस क्या है कि थोड़ी सी स्पीड को यहां पर ट्वीक किया गया है। तो भाई सबसे पहले जानते हैं यहां पर Dimensity 1080 के बारे में। दोस्तों अगर यहां पर कोर्स की बात करें तो आपको यहां पर दो परफॉर्मेंस स्कोर यहां पर देखो मिल जाते हैं, जो कि मिलते हैं Cortex A78 वाले। अगर इसकी क्लॉक स्पीड की बात कर लेते हैं तो ये आपको यहां पर 2.6 GHz की यहां पर मिल जाती है। वहीं अगर बात करते हैं यहां पर हम एफिशिएंसी कोर की, जो कि मिलते हैं यहां पर हमें 6 कोर यहां पर वो की मिलते हैं हमें Cortex A55 वाले। अगर इसकी क्लॉक स्पीड की बात कर लेते हैं तो ये हमें यहां पर 2 GHz की मिल जाती है। कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर Dimensity 920 से, तो यहाँ पर भी हमें दो कोर यानी कि जो परफॉर्मेंस कोर है वो मिलते हैं Cortex A78 वाले, बट यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है आपको, 2.5 GHz की मिल जाती है जबकि वहाँ पर आपको 2.6 GHz की मिलती है। वहीं अगर बचे हुए 6 कोर यानी कि एफिशिएंसी कोर की अगर बात करते हैं तो वो मिलते हैं Cortex A55 वाले, जो कि क्लॉक किए गए यहाँ पर 2 GHz पर। तो देखा तो यार दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें जो मिलता है, केवल परफॉर्मेंस कोर के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जो मिलता है हमें यहाँ पर 1080 के अंदर, क्योंकि जो है 2.6 की वहां मिलती है, 2.5 की यहां मिल जाती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके मैं बोला था कि बहुत ही नॉर्मल सक्टिव यहां पर किया गया है, तो वो चीज देखने मिल जाती है। बाकी फैंसी को दोनों के अंदर आपको यहां पर सेम मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा मैं बोलूंगा यार कि जो 19-20 का फर्क बोलते हैं वो आपको Dimensity 1080 के अंदर देखने मिल जाएगा, तो थोड़ा सा यहां पर परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर बेटर परफॉर्म करने वाला है 1080। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर हम GPU की यानी कि गेमिंग वगैरह की, तो आपको दोनों के अंदर यहां पर जो है माली का MC4 GPU देखने मिल जाता है, दोनों के अंदर सेम GPU यहां पर दिया गया है। एंड अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो Dimensity 900 की जो फ्रीक्वेंसी वो तो यहां पर उसको कंफर्म है 950 MHz के यहां पर देखने मिल जाती है, लेकिन 1080 के अंदर इस तो अपना जो फ्रीक्वेंसी वो यहां पर नहीं दी गई, मे बी यहां पर थोड़ी सी यहां पर भी ट्यूक की गई है यहां पर जो भी होगा यहां पर, तो वही चीज यहां पर भी गेमिंग थोड़ी सी बेटर कर पाओगे, वही 19-20 वाला फर्क यहां पर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको यहां पर भी नहीं मिलेंगे, इसका आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। एंड वैसे तो अगर बात करते हैं यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट की, तो सबसे पहले बात करते हैं रैम की, तो Dimensity 1080 के अंदर मिलती है आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 3200 MHz की 16 GB रैम तक को यहाँ पर सपोर्ट कर रहता है। एंड वही बात करते हैं अगर यहाँ पर हम Dimensity 920 की, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिल जाता है एंड ये भी यहाँ पर जो है 3200 MHz की 16 GB रैम तक को यहाँ पर सपोर्ट कर लेता है। तो रैम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर दोनों ही चिपसेट जो है यहाँ पर सेम दिख रहे जाते हैं, कोई भी यहाँ पर चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं, तो ये चीज यहाँ पर सेम मिल जाती है। एंड वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा स्टोरेज की, तो आपको Dimensity 1080 या फिर जो है Dimensity 920 दोनों के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है UFS 2.2 एंड UFS 3.1 का सपोर्ट डिग्री मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर दोनों के अंदर लेटेस्ट जो स्टोरेज चल रहे हैं उसका हमें सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल जाता है। एंड वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले सपोर्ट वगैरह की, तो आपको दोनों के अंदर यहाँ पर 120 Hz वाला
फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले का सपोर्ट आपको दोनों के अंदर देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में यहाँ पर दोनों ही चिपसेट यहाँ पर सेम परफॉर्म करते हैं। एंड वैसे तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कैमरा सपोर्ट को लेकर, तो डेमजेटी 1080 की बात करें तो ये 20+20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे को सपोर्ट कर लेता है। वहीं सिंगल कैमरे की बात करते हैं तो ये 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे को सपोर्ट कर लेता है। वहीं बात करें कंपेयर करते हैं उसको हम यहाँ पर डेमजेटी 920 से, तो वो जो यहाँ पर डुअल कैमरे की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर जो है 20+20 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट कर लेता है। लेकिन बात आती सिंगल कैमरे की, तो ये जो है 108 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट करता है। तो कैमरा सपोर्ट के वॉल में यहां पर जो है डेमजेटी 1080 यहां पर आगे निकल जाता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर जो है कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह की, तो देखा है तो अगर डेमजेटी 1080 की बात करते हैं तो यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है। एंड साथ ही अगर बात करते हैं 5G वगैरह की, तो 5G के अंदर आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन, 4G कैरियर एग्रीगेशन यहां पर दोनों का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। वहीं हम बात करते हैं यहां पर जो है डेमजेटी 920 की, तो इसके अंदर भी आपको यही सेम चीज यानी कि ब्लूटूथ 5.2 एंड वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड साथ ही साथ यहां पर आपको जो है 5G एंड प्लस 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड वहीं साथ ही साथ यहां पर आपको GPS एंड नेवी का भी सपोर्ट आपको दोनों के अंदर मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में यहां पर जो है काफी अच्छा काम किया गया दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर यार जो है सेम चीज यहां पर देखने मिल जाती है। इसके अलावा तो अगर बात करते हैं यहां पर जो है, आइए बात करते हैं इसके गीगविंग स्कोर एंड एंटूटू स्कोर की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके गीगविंग स्कोर की, तो इसका जो गीगविंग स्कोर है यानी कि इसके सिंगल कोर का जो स्कोर निकल के आता है वो आता है इस तो यहाँ पर जो है 813। एंड वहीं का डेमजेटी 920 की बात करते हैं तो ये हमें 809 देखने मिल जाता है। तो सिंगल कोर के स्कोर के में देखें तो आपको यहाँ पर भी डिफरेंट थोड़ा सा फर्क जो है मतलब देखने मिलता है 1080 के अंदर, यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बूस्ट मिलने वाली है। वहीं मल्टी कोर की अगर बात कर लेते हैं तो मल्टी कोर में डेमजेटी 1080 का जो स्कोर निकल गया था वो आता है यहाँ पर 2278। एंड वहीं अगर बात करते हैं डेमजेटी 920 की तो ये हमें 2275 देखने मिल जाता है। तो दोस्तों अगर देखा है तो यार गीगविंग के अंदर भी हमें एक चीज जो है कन्फर्म हो जाती है कि जो परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर मूवमेंट देखने मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस नहीं मिल रहा है, बस कुछ मतलब जो है 19-20 जैसा फर्क हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। वहीं अब आइए जानते हैं एंटूटू स्कोर के बारे में, उसका क्या सीन है यहाँ पर। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर डेमजेटी 1080 के एंटूटू स्कोर की, तो ये जो है हमें 495,000 करीब जो है यहाँ पर एंटूटू स्कोर देखने मिल जाता है। दोस्तों ये लगभग में रहता है तो ये फिक्स नहीं रहता, तो आप लोग ये कमेंट मत करिए कि यार ये फिक्स नहीं है। तो एंटूटू स्कोर दोस्तों हमेशा लगभग में ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर से ध्यान में रख के चलिएगा। वहीं अगर बात करते हैं डेमजेटी 920 की, तो इसके अंदर जो हमें एंटूटू स्कोर देखने मिलता है वो है यहाँ पर 492,785। देखा है तो यार जो परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस है, जितना सोचा था जितना नंबरों के बीच में डिफरेंस है वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने नहीं मिलती है। लेकिन अगर हाँ दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो अगर मतलब इस विनर को जहाँ पर चुनना होगा तो वो जो है हमारा डेमजेटी 1080 निकल के आएगा। भले यहाँ पर 19-20 का फर्क है, लेकिन फर्क तो उसके यहाँ पर फर्क होता है विनिंग के लिए यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने मिल जाती है। लेकिन अगर इसका जो रियल हम यूजेस देखें तो वहाँ पर देखा है तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप किसी भी चिपसेट के साथ जा सकते हो, दोनों ही 5G चिपसेट है यहाँ पर, ठीक है। आप तो बात करते हैं अगर यहाँ पर हम जो है परफॉर्मेंस को लेकर, तो आप जो है दोनों में से किसी चिपसेट से जा सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं गेमिंग की, तो वो भी आप दोनों में आपको अच्छी खासी दिन में मिल जाएगी। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं यहाँ पर है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है एंड साथ ही किस प्राइसिंग पर ये चिपसेट यहाँ पर अवेलेबल होता है इंडिया के अंदर। क्योंकि अगर हम रियलमी 10 Pro + 5G की बात करते हैं तो ये चाइना के अंदर 20,000 रुपये की प्राइसिंग पर गया है, लेकिन अभी जो इंडिया के ऊपर आएगा ये तो ये 25K ऊपर ही जाने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सीन रहता है एंड क्या रियल जो है परफॉर्मेंस यहां पर टेस्ट देखो मिलता है। फिलहाल के लिए भी जो चिपसेट का कंपैरिजन है तो वो चीज में देखें तो यहां पर जरूर से 1080 जो है आगे निकल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है। तो आज का जो हमारा विनर निकल गया था वो है डेमजेटी 1080। तो इस चीज को ध्यान में लेकर जरूर से चलेगा कि यार जो है यहाँ पर 19-20 का फर्क मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कोई भी कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं, आप किसी भी चिपसेट से जाओगे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए यहाँ पर जो है ये था जो है डेमजेटी 1080 एंड 920 का कंपेरिजन। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो जरूर से यार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है यहाँ पर मिलते रहते हैं। साथ ही जो भी आप लोग को और भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट करेगा, जरूर से सोचूंगा उस पर बनाने की। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।